बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रजा मेकन, आप देख रहे हैं आईआरके न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट्स सदीक जान साहब से। आज सुबह एक खबर आई और वो ये थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने काम ओपन कोर्ट में काम रोक दिया है और काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो दो रोज़ के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए हैं, यानी मंगल और बुध के लिए, आज और कल के लिए वो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं। और आपको पता ही है कि जब जब काजी साहब चैम्बर वर्क पर गए हैं तो कोई ना कोई बड़ी वारदात डाली है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। कभी उन्होंने जो है वो कोई ऐसा केस लगाया, कभी उन्होंने एडहॉक जजेस जो हैं उनके हवाले से उन्होंने एडहॉक जजेस के लिए नाम रिकमेंड किया और एडहॉक जजेस लाने की कोशिश की। कभी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो अपने साथी जजेस हैं उनके ऊपर कोई वार किया, कभी मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर को वापस भेजा, कभी मुनीब अख्तर साहब के ड्राइवर के साथ छेड़छाड़ की। तो काजी साहब की मतलब लेवल तो यही था कि मतलब मुनीब अख्तर साहब को कोई और उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। तो एक झूठे इल्ज़ामात, लेटरबाजी, और सबसे बड़ा जो उन्होंने वार किया जैसे मुनीब अख्तर पर, वो तो उन्होंने यही किया कि उन्होंने उनके ड्राइवर को जो है वो वापस भेज दिया। अच्छा, लेकिन एक जो ओवरऑल उन्होंने अपने इदारे पे जो हमला किया उसमें ज़ाहिर है मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब समेत पूरी अदलिया ही उसका निशाना बन गई। जिस तरह से उन्होंने इस हुकूमत को दो तहाई अक्सरियत दिलवाई, जिस तरह से मखसूस नशस्तों वाले केस में जो कुछ किया, जो कुछ उन्होंने रीकाउंट के नाम पर इनको सीटें दी, 8 फरवरी के बाद जो कुछ उन्होंने इस हुकूमत के साथ किया, शरीफ ख़ानदान के साथ किया, तो उसकी तो पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान की तारीख में किसी चीफ जस्टिस ने किसी भी हुकूमत को, किसी भी इवन के डिक्टेटर को इस हद तक फैसिलिटेट किया हो जो काजी फ़ाइज़ साहब ने इस हुकूमत को और शरीफ ख़ानदान को किया है। लेकिन अब काजी साहब जो हैं दो दिन के लिए जो चैम्बर पार्क पर गए हैं, देखना होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसमें कौन सी बड़ी वारदात डालते हैं। मैंने अभी सब मेरी अहमद अदील सरफराज साहब हमारे दोस्त हैं, उनका व्लॉग आप देखते होंगे, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं सुनने उसके, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी। तो उनका ये ख्याल था कि काजी साहब शायद वो मखसूस नशस्तों का जो केस था जो 8-5 से फैसला आया था जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जमाल खान मंदुखेल साहब से इतफाक़ किया था, उसका शायद काजी साहब जो है वो अपना इख्लाफी नोट लिख रहे हों, क्योंकि 8 जजेस का फैसला तो आ चुका है। उनकी एक वजाहत पहली आई थी, फिर दूसरी वजाहत आई थी, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का इख्लाफी नोट आज तक अभी तक नहीं आया। तो हो सकता है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो इख्लाफी नोट लिख रहे हों, और ये हो नहीं सकता कि इख्लाफी नोट में वो कोई और गंद ना करें और कोई अपनी औकात ना दिखाएं और जजेस को जो है वो मज़ीद उन पर अटैक ना करें, ये मुमकिन नहीं है। तो वो बहुत कुछ उस इख्लाफी नोट के अंदर जो उनके अंदर का तासुब है वो सारे का सारा वो सामने आएगा। कल भी आपने देखा कि कल हामिद खान साहब ने कहा कि मैं एक मुतसब शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता। काश कि हामिद खान साहब ने कल जो काजी साहब के मुंह पे बात की है ये वो आज से 3 माह पहले करना शुरू करते, या 1 जनवरी में जब काजी साहब ने बल्ला छीना था उसके बाद से हामिद खान साहब ये बात करना शुरू करते तो सूरत हाल आज मुख्तलिफ होती। लेकिन हामिद खान साहब जो हैं उनकी काजी साहब की रिटायरमेंट से 4 दिन पहले उनको उनके सामने वो बातें कर रहे हैं जो काश कि हामिद खान साहब को कम अज़ कम 4 माह पहले शुरू करनी चाहिए थी। और फिर जाहिर है एक काजी साहब ने जो कुछ इस हुकूमत के लिए किया है उसके बाद खौफ तो बहुत ज़्यादा है कि ये 2 दिन में भी कोई बड़ी वारदात ना डाल दें, हुकूमत को जाते जाते कुछ बड़ा ना दे दें। जैसे अभी ये 26वीं आइनी तरमीम जो है वो चैलेंज हुई है, इसमें भी एक डर है कि कहीं इसको लगा के और इसको एक तरह से वैलिडेट ना कर दें और कह ना दें कि जनाब इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती और इसको आइनी बेंच ही सुनेगा, तो ये भी वो जाते जाते कर सकते हैं क्योंकि अभी उनके पास एक दिन है जुमेरात का दिन। जुमेरात का दिन जो है वो ख़तरनाक होगा, कुछ भी काजी साहब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी हद तक जाना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें ना, काजी साहब ने कहा मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, और मैं नहीं हूँ तो फिर ये पूरा अदालती निज़ाम भी ना रहे। उन्होंने फिर इसलिए हुकूमत को इतना फैसिलिटेट किया कि हुकूमत ने पूरी अदलिया पे जो है वो वार किया, और जिस तरह से आपको पता है कि जो मुदाखलत अदलिया में होगी, यानी बेंचेस कौन होंगे, क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये भी हुकूमत फैसला करेगी। हाई कोर्ट में कौन से जजेस भर्ती होंगे ये भी हुकूमत फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज आएंगे ये भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। और अभी तो बहुत कुछ और जो है वो आना है, बहुत कुछ और होना है, और इसलिए काजी साहब जो है काजी साहब से डर लगा हुआ है सबको कि कहीं अगले 2 रोज़ में भी कुछ बड़ा ना कर दें। और एक और खदशा था कि कहीं जुडिशल कमीशन जो है उसका इजलास बुला के और काजी साहब जो है वो आइनी बेंच जो है वही ना बनवा के चले जाएँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि काजी साहब ये करेंगे, उसकी वजह यह है
देखें जुडिशियल कमीशन का, मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल कमीशन का काम क्या है और जुडिशियल कमीशन जो है वो अब उसकी जो हैयत है वो कैसे चेंज की गई है। जुडिशियल कमीशन जो है वो हाई कोर्ट में जजेस की भर्तियां वो जुडिशियल कमीशन करता है। हाई कोर्ट से कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट लाना है ये फैसला जुडिशियल कमीशन करता है। ये बहुत बड़ा जुडिशियल कमीशन का इख्तियार है। पहले जुडिशियल कमीशन में कौन था? पहले जुडिशियल कमीशन में थे 5 सुप्रीम कोर्ट के जज यानी चीफ जस्टिस और उनके बाद 4 जो हैं वो सीनियर, उनके बाद जो जज आते हैं वो, और बाकी जो 4 मेंबर्स थे उसमें एक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एक वज़ीर कानून, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज और एक पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर। ये था 9 रुकनी जुडिशियल कमीशन। अब इन्होंने इसको कर दिया है 14 रुकनी और इसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 9 तो यही रहेंगे जो हैं ऑलरेडी, 4 इन्होंने डाल दिए पार्लियामेंटेरियन, 2 सेनेटर, 2 इन्होंने डाल दिए एमएनएस और 1 इन्होंने कहा जी अकलियतों का नुमाइंदा होगा। ये इन्होंने किया है। अब आप इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान बार कौन यानी अब ये जो इसके बाद जजेस हैं सीनियरिटी में उसमें देखें ये जो हैं अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदुखेल, ये भी नून लीग के वोट दोनों उनमें ही आते हैं ना, उन 5 में ही आते हैं। अच्छा, ये दोनों नून लीग के वोट, फिर 2 पार्लियामेंटेरियन नून लीग का वोट, फिर 1 अकलियतों का मेंबर नून लीग का वोट, रिटायर्ड जज नून लीग का वोट, जो अटॉर्नी जनरल नून लीग का वोट और वज़ीर कानून नून लीग का वोट। 8 मेंबर हैं उन 14 में से नून लीग के पास और इस तरह से उन 8 के साथ नून लीग आराम से जो है वो नून लीग अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाएगी, अपनी मर्ज़ी के जज लाएगी और ये सारे का सारा जो कुछ वो जो पर्पज़ अपना हासिल करना चाहते हैं वो पर्पज़ वो हासिल करेंगे। तो इसलिए एक ये था कि काजी साहब बुला के और ये कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो जुडिशियल कमीशन का इजलास इसलिए बुलाएंगे क्योंकि उसकी वजह यह है कि काजी साहब नहीं बिगाड़ के जाएंगे तो उसके बाद हो जाएगा। क्योंकि देखें ना कि सीनियरिटी की अगर आप बात करें, मैं आपको ज़रा एक लिस्ट भी बता देता हूँ, तो काजी साहब नहीं भी होंगे तो काजी साहब के जो दोस्त हैं ये जमाल खान मंदुखेल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, ये दोनों तो कम से कम मौजूद हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए काजी फ़ायज़ ईसा साहब की कमी कभी भी जो है वो फील नहीं होगी। क्योंकि जमाल खान मंदुखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, नईम अख्तर अवान साहब, मुसर्रत हिलाली साहिबा, सरदार तारिक मसूद साहब, मज़हर अल अमीन खेल साहब, ये जब तक मौजूद हैं तो काजी साहब की कोई कमी किसी तरह की आपको फील नहीं होगी। अच्छा, सीनियरिटी में आ जाते हैं हम। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अभी तो खैर इस पर भी फैसला होना है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे भी या नहीं होंगे, वो उस पर अलग से बात करते हैं इस वीडियो के बाद। तो मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, याह्या अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदुखेल साहब, ये हैं जनाब इस वक्त जो जुमे से जो जुडिशल कमीशन में इस तरह से होंगे जजेस, अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं तो इसलिए इसमें से आपको पता ही है कि याह्या अफरीदी साहब दरमियानी रास्ता ले लेते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं और एक कमज़ोर शख्सियत के मालिक हैं। और जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, ये दोनों आपको पता ही है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की मतलब रूह जो है वो ज़िंदा रहेगी अदलिया में। तो ये हैं सारी सूरत। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।